क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में बिहार की राजनीति में जाना माना नाम और आपराधिक छवि वाले दबंग नेता सुनील पांडे की। फिलहाल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से नेता हैं, लेकिन उससे पहले वो जेडीयू की टिकट पर दो बार विधायक रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद सुनील पांडे हमेशा ही चर्चाओं में रहे। कभी उनका नाम रणवीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में आया, तो कभी आरा के बम ब्लास्ट में, तो कभी उनका नाम जेल से आरोपी को भगाने में लग जाता, तो कभी वो पटना के होटल में खुलेआम गोली मारने की धमकी दे देते, तो कभी यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मरवाने के लिए 50 लाख की सुपारी देने के आरोपों से घिर जाते। 53 वर्षीय सुनील पांडे की जिंदगी आधी जेल में बीती तो आधी फरार रहने। राजनीति और अपराध के अलावा सुनील को पढ़ाई में भी काफी दिलचस्पी थी। बिहार के रोहतास के नावरडी गांव में जन्मे सुनील पांडे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो रोहतास में की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो बेंगलुरु गए थे। लेकिन उसी दौरान मामूली विवाद में एक लड़के को उन्होंने चाकू मार दिया और वापस लौट आए। इसके बाद से ये अपराध जगत में आगे तो बढ़े, लेकिन पढ़ाई से नाता कभी नहीं तोड़ा। सुनील पांडे का एक परिचय ये भी है कि वो PhD हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि इन्होंने PhD भगवान महावीर की अहिंसा पर की है। सुनील पांडे ने PhD का इंटरव्यू भी जेल में रहने के दौरान दिया था। सुनील पांडे जब जेल से हथियारबंद पुलिस वालों के साथ PhD का इंटरव्यू देने गए थे, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर बात करते हुए कहा था, मैं नेता हूँ जिससे उम्मीद की जाती है कि वो समाज का नेतृत्व करे। मुझे शिक्षित तो होना ही होगा, मैं जेल में हूँ तो क्या हुआ। हमारे बहुत से नेताओं ने जेल में रहते हुए किताबें लिखी हैं, लेकिन शोहरत, बदनामी और शिक्षा, ये सब सुनील पांडे को रातों रात एक दिन में नहीं मिला। इनकी कहानी किसी बॉलीवुड की हिंदी मसाला फिल्मों से कम नहीं है। 1990 के दशक में रोहतास के नावाडी गांव में सुनील के पिता बालू के ठेके का धंधा करते थे, जिसकी वजह से इलाके में उनकी दबंगों वाली छवि थी। और जब सुनील पांडे बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ वापस घर लौटे, तो वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त सुनील बालू के ठेके का धंधा कर रहे थे, उस वक्त ठेकेदारी में रोहतास के आसपास सल्लू मियाँ का बोलबाला था। सल्लू मियाँ आरा का रहने वाला था और शहाबुद्दीन का खास था। धीरे धीरे सुनील ने सल्लू मियाँ के साथ दोस्ती बढ़ाई और देखते देखते उसका राइट हैंड बन गया। कहा जाता है कि सुनील पांडे ने अपराध जगत की तालीम सल्लू मियाँ के अंडर रहकर ही ली। लेकिन समय के साथ सुनील पांडे खुद को सल्लू मियाँ से ऊपर देखने लगता है, और इसी दौरान अचानक सल्लू मियाँ का मर्डर हो जाता है और हत्या में नाम आता है सुनील पांडे का। लेकिन सबूत न मिलने की वजह से केस दर्ज नहीं हो पाता, और सल्लू मियाँ की हत्या के बाद बालू के ठेके पर सुनील पांडे का एक छत राज हो जाता है। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में सुनील पांडे का आमना सामना रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह से होता है, और वो दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। बिहार में 90 का दशक रणवीर सेना का था। ये सेना मूल रूप से स्वर्ण जातियों का हथियार बंद संगठन था, जिसमें भूमियार जाति का बोलबाला था। सुनील पांडे भी रणवीर सेना के खास आदमी थे। सुनील पांडे इस सेना में खास से सबसे ऊपर पहुंचना चाहते थे, और इसी होड़ में 1997 में सुनील और ब्रह्मेश्वर के बीच खूनी संघर्ष होने लगा। जनवरी 1957 को भोजपुर के बागर गांव में ब्रह्मेश्वर मुखिया गुट ने 3 लोगों की हत्या कर दी, और मारे गए सभी लोग भूमियार थे। मरने वालों में से एक महिला भी थी जो सुनील पांडे की करीबी रिश्तेदार थी। इसके बाद से दोनों की दुश्मनी खुलेआम चली। सुनील पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया की जंग 1 जून 2012 तक चली, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या में नाम सुनील पांडे का आता है। केस तो चला, लेकिन सबूत नहीं मिला। ब्रह्मेश्वर मर्डर केस में CBI आज तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है।
हत्या के पहले ब्रह्मेश्वर मुखिया तकरीबन 9 सालों तक जेल में बंद थे। अगस्त 2002 में ब्रह्मेश्वर मुखिया को 227 लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और मई 2011 में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया और जिसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इन 9 सालों के बीच में सुनील पांडे ने अपराध के साथ साथ राजनीति में भी अपनी पैठ मजबूत कर ली। बिहार में मार्च 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर सुनील पांडे भी चुनावी मैदान में रोहतास के पीरो विधानसभा सीट से उतरे और पहली बार में ही चुनाव जीत गए। लेकिन इस चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। समता पार्टी उस वक्त से बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली जिसमें बहुत बड़ा हाथ सुनील पांडे का था। सुनील ने उस वक्त से बिहार के सारे बाहुबली और निर्दलीय विधायक मोकामा के सूरजभान, बनियापुर के धूमल, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रमा सिंह और अनंत सिंह को नीतीश कुमार के साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी सरकार तो नहीं बच पाई पर बिहार की राजनीति में सुनील पांडे छा गए। इसके बाद मई 2003 में पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया था और फिरौती के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर को खोज निकाला था लेकिन इस केस में नाम सामने आया विधायक सुनील पांडे का। केस दर्ज होने के बाद 5 साल तक चला और फिर 2008 में सुनील को इस मामले में 3 लोगों के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने बरी कर दी। लेकिन इस बीच सुनील 2005 में जेडीयू के टिकट पर लगातार तीसरी बार विधायक बने। वो इसलिए क्योंकि 2005 में फरवरी और नवंबर में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए और दोनों में सुनील जीत गए। छोटी मोटी रंगदारी, लूट, हत्या और पत्रकार को धमकाने जैसे कई आरोप सुनील पांडे पर लगे। इन्हीं आरोपों की वजह से 2006 में जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन 2010 में नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को फिर से टिकट दिया और सुनील पांडे एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। वो भी इसलिए क्योंकि चुनावी एफिडेविट में सुनील पांडे ने ये दिखाया था कि उन पर 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसमें लूट से लेकर हत्या तक के इल्जाम लगे हुए हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा और वो हार गए। इस चुनाव में मिली हार के बाद सुनील पांडे ने जेडीयू पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील पांडे ने कहा था कि मैंने नीतीश कुमार को पहले ही आगाह किया था कि वो एनडीए से बाहर ना जाएं, क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली थी उसमें सिर्फ जेडीयू नहीं था बल्कि एनडीए भी शामिल था। जनवरी 2015 में आरा के सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और पुलिस की गिरफ्त से 2 अपराधी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय भाग गए। लेकिन पुलिस ने जून 2015 में लंबू शर्मा को दिल्ली से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंक्वायरी में लंबू शर्मा ने कबूल किया कि उसने खुद ही भागने के लिए बम ब्लास्ट किया था। पूछताछ में लंबू शर्मा ने यह भी दावा किया कि सुनील पांडे ने यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी और जेल से भागने में मदद भी की। इस घटना के बाद पुलिस ने नाटकीय ढंग से सुनील पांडे को गिरफ्तार किया। भोजपुर जिले के तत्कालीन एसपी नवीन झा ने सुनील पांडे को ऑफिस में मुलाकात के बहाने से बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 3 महीने में सुनील पांडे को जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर निकलने के कुछ दिनों बाद ही नवंबर 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने सुनील की पत्नी गीता को टिकट दिया लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई। ये थी सुनील पांडे की अब तक की कहानी। राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं की भागीदारी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें और अगर आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ हिंदी के साथ।